हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है टॉयज़ का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना बढ़ा और घटा पिछले 3 सालों में? आइए जानते हैं शॉर्ट वीडियो में। जुलाई में 13th एडिशन ऑफ टॉय बेस B2B इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो 2 से 5 जुलाई न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें कहा गया है कि टॉयज़ का इंपोर्ट 71% कम हो गया और एक्सपोर्ट 61% बढ़ गया है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। DGFT ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बोला कि जो भी टॉय इंपोर्ट होंगे उसको सैंपल की टेस्टिंग की जाएगी और जब तक क्वालिटी टेस्टिंग सक्सेसफुल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक परमिशन नहीं दी जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो टॉय पे लगती थी वो 20% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। तीसरा पॉइंट है, हर टॉय को कंपलसरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा जो विद इफेक्ट किया है 1/1/2021 से। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार हर टॉय को इंडियन स्टैंडर्ड्स की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और स्टैंडर्ड मार्क उस पर लगाना होगा। गाइस, आपको कुछ समझ आया होगा, आपको शायद ये फैक्ट पसंद आया होगा।